एवरीवन, दिस इज अर्पिता नाथ एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। वेल, आज का ब्लॉग बहुत ही स्पेशल है क्योंकि आज इस ब्लॉग में मेरा बेटा भी इंक्लूड हुआ है। हिज नेम इज जॉय। जॉय, हेलो करो। वेल, आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ बहुत ही सिंपल और हेल्दी रेसिपी, और वो है उपमा। जो उपमा है वो हम सभी को बनाना आता है, बहुत ही सिंपल है, लेकिन मैं अपने बेटे के लिए उपमा कैसे बनाती हूँ, दैट आई वांट टू शेयर विद यू। ये बहुत ही सिंपल खाना है जो कि हम ब्रेकफास्ट या डिनर में बच्चों को दे सकते हैं। उपमा जो है बहुत ही हेल्दी रेसिपी है क्योंकि ये रवा के थ्रू बनाया जाता है, और सूजी जो है वो हम सबको पता है बहुत ही हेल्दी फूड होता है, और मिनिमम हफ्ते में 2 से 3 बार तो बच्चे को उपमा मतलब सूजी, चाहे आप हलवे के रूप में दे या फिर उपमा के रूप में दे, देना अच्छा होता है। हलवा क्योंकि मीठा होता है इसलिए ज्यादा नहीं मीठा चीज ज्यादा नहीं देना चाहिए, लेकिन उपमा जो है आप दे सकते हैं, दिक्कत नहीं है, चाहे वो ब्रेकफास्ट हो या फिर डिनर हो। आई एम गिविंग उपमा मेनली इन डिनर, और ब्रेकफास्ट में भी कभी कभार दे देती हूँ, और जो मेनली जो शाम का जो स्नैक्स का टाइम जो होता है, अगर आप उस टाइम थोड़ा सा उपमा बनाकर बच्चे को दें तो बहुत ही अच्छा होता है क्योंकि ये बहुत हैवी होता है, मतलब बच्चे को पेट भर जाता है खाने से ये। तो फिर चलिए देखते हैं कि मैं उपमा कैसे बनाती हूँ अपने बेटे के लिए। और जाने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा, और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा मेरे इस चैनल को। तो फिर चलिए, सबसे पहले हम पैन को गर्म होने के लिए रख देंगे, और उसमें मैं आधा कप करीबन रवा डालूंगी सूजी, और उसको हमें हल्का लाइट ब्राउन होने तक भूनना है ताकि जो रवा का जो कच्चापन है वो निकल जाएगा हल्का भूनने से। बहुत ज़्यादा नहीं भूनेंगे, खाली लाइट ब्राउन होने तक भूनेंगे हम इनको। सूजी हमारी लाइट ब्राउन भून चुकी है, अब मैं इनको अलग प्लेट पे निकाल कर रख दूंगी, और सेम पैन में मैं 3 से 4 चम्मच ऑयल डालूंगी। आप चाहे तो देसी घी का भी यूज़ कर सकते हैं। जब हमारा ऑयल गर्म हो जाएगा तब मैं इसमें 1 चम्मच करीबन राई के दाने डालूंगी। करी पत्ता मैंने इसमें नहीं डाला है चौक के लिए, क्योंकि मेरे बेटे को करी पत्ते का जो फ्लेवर है वो अच्छा नहीं लगता है, तो मैं खाली 1 चम्मच राई डालूंगी। राई देखिए चटकने लगी है। अब मैं इसमें आधा मैंने प्याज काटा है, ये खाली मेरे बेटे के लिए बन रहा है, तो मैंने उसी के अंदाजे से मैं ये खाना बना रही हूँ। ये आधा प्याज है जिसको मैंने बारीक बारीक काट कर डाल दिया है, और उसको मैं हल्का मैंने ब्राउन होने तक भून लिया है। अब मैं उसमें आधा टमाटर डालूंगी, और टमाटर को भी 2 मिनट तक पकाएंगे ताकि वो थोड़ा नरम हो जाए। 2 मिनट के बाद मैं इसमें कुछ वेजेस जो है वो ऐड करूँगी। वेजेस में मैंने मटर लिया है, गाजर लिया है, और बीन्स लिए हैं जिनको मैंने छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है। आप चाहे तो कुछ और भी इसमें ऐड कर सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा वेजेस ऐड करने से भी जो उपमा का जो अपना फ्लेवर होता है वो थोड़ा गायब हो जाता है, तो मैं ज़्यादा वेजेस ऐड नहीं करती हूँ। 1 मिनट भूनने के बाद मैं इसमें नमक डाल दूँगी अंदाजे से, और थोड़ा सा हल्दी पाउडर डालूँगी। इनके अलावा मैं ज़्यादा मसाले ऐड नहीं करती हूँ उपमा में, हल्दी और नमक काफ़ी है सब्जी के लिए। और हमें थोड़ा भूनने के बाद मैं इसमें पानी ऐड कर दूँगी, और मिनिमम 10 मिनट तक हमें इन सब्जियों को पकाना है ताकि जो सब्जी है वो गल जाए। मैं यहाँ पर आपको बता दूँ कि अगर आप चाहे तो टाइम बचाना चाहती है तो आप इन वेजेस को पहले से कुकर में बॉईल करके इनमें डाल सकती है। इससे क्या होगा, हमारे जो टाइम की बचत होगी और जो सब्जी है वो बहुत ही अच्छे से गल जाएगी, क्योंकि बच्चा है मतलब अच्छे से पके हुए सब्जियाँ ही बच्चों को देनी चाहिए। और अगर आपको मतलब टाइम की कोई प्रॉब्लम नहीं है तब आप आराम से 10-15 मिनट में आप पैन में ही सब्जियों को गला सकती है। मैं कभी कभार कुकर में भी सब्जियों को गलाकर फिर उसमें मतलब प्याज और टमाटर का छौंक बनने के बाद उसमें डाल देती हूँ, और फिर जो बाकी का जो प्रोसेस होता है उपमा बनने का वो मैं फॉलो करती हूँ। लेकिन एक बात है, जब आप कुकर में अगर सब्जियों को बॉयल करें तब उसका जो पानी है वो पानी को निकाल कर फेंक ना दें, उस पानी को भी इसमें ऐड कर दें। 10 से 15 मिनट पे जो सब्जियाँ थी वो अच्छे से पक गई है। अब मैंने जो मैंने रवा को जो मैंने भून कर रखा था वो मैंने ऐड कर दिया है, और मिनिमम 2 से 3 मिनट में जो रवा है वो पूरा पानी जो है इसमें सोख लेगा, और जो उपमा है वो हमारा तैयार हो जाएगा। देखिए उपमा करीबन तैयार हो गया है।
सब्जियां पकने के बाद जब हम रवा डालेंगे तो 3 से 4 मिनट के बाद ही मतलब भीतर ही हमारा जो उपमा है वो तैयार हो जाएगा। और फिर हम इसको धनिया के पत्ते से, बारीक कटे हुए धनिया के पत्ते से गार्निश करेंगे और बच्चे को खाने के लिए देंगे। उपमा जो है वो बहुत ही हेल्दी खाना है और मिनिमम बच्चे को हफ्ते में 3 से 4 बार तो देना ही चाहिए। चाहे आप वो सूजी रवा जो है वो आप उपमा के रूप में दें, या फिर हलवे के रूप में दें, या फिर उसकी इडली बनाकर दें, तीनों ही फॉर्म बहुत ही अच्छे हैं। चाहे तो आप चीला बनाकर भी दे सकते हैं। और ये मेरा बेटा खाने के लिए बैठ गया है। मैं जब भी अपने बेटे को खाना खिलाने के लिए बिठाती हूँ तो स्टार्टिंग के जो 5 मिनट है मैं उसको खुद खाने के लिए एनकरेज करती हूँ कि तुम्हें जैसे खाना है खाओ, लेकिन आखिरकार वो कुछ भी नहीं खाता है और हार पर मुझे ही उसको बाकी का खाना खिलाना पड़ता है। और मैं उसका फेवरेट वीडियो जो है वो मोबाइल में चला देती हूँ या फिर कोई भी गेम दे देती हूँ, वो खेलता रहता है और मैं खाना खिलाती रहती हूँ। और आई होप कि आपको ये उपमा का जो मेरा स्टाइल है वो अच्छा लगा होगा और आई थिंक कि आप भी ऐसे ही करके उपमा बनाते होंगे और अपने बच्चे को भी खिलाते होंगे। और अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करिएगा मेरे इस चैनल को और कमेंट करके मुझे बताइएगा कि आप अपने बच्चे के लिए उपमा कैसे बनाते हैं और मेरा ये जो उपमा बनाने का स्टाइल है वो कैसा लगा आपको। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।